हम तो सीएससी का जन्म हुआ था कि सीएससी विल डू गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी, सिटीजन को सर्विस डिलीवरी देगी, सिटीजन को गवर्नमेंट स्पेसिफिक सर्विसेज के घर के पास मिल जाए, ये सीएससी की जो भूमिका थी शुरुआत वहां से हुआ था। लेकिन हमने सरकारी सेवाएं देने में हमें परेशानी है, हमारे बच्चे शैतानी करते हैं, जहां भी सरकार का नाम होता है शैतानी अंदर घुस जाती है, पता नहीं कहां से आती है। तो हमने कहा, बहुत लोगों ने हमें कहा, बहुत लोगों ने हमें बचाया कि आपके बच्चे बदमाशी करते हैं, आप कुछ करो। तो हमने बोला, हम तो पुलिसिंग तो नहीं कर सकते, क्यों, मैं जिसको पुलिस वाला बनाऊंगा वही बदमाशी करेगा, तो पुलिसिंग नहीं होगा, लोग सुधारेंगे। इनफैक्ट हम बोलते हैं कि लास्ट माइल कंपटीशन इज द लास्ट बैटल फॉर सीएससी। अगर लोग चूज करेंगे, आप अच्छा नहीं करते हो तो दूसरे के पास जाएगा और वहां से लेगा वही सर्विस। तो द लास्ट माइल कंपटीशन इज अ ग्रेट स्टोरी फॉर अस एंड दैट्स द लास्ट बैटल फॉर अस टू क्रिएट। क्योंकि सरकारी सेवाएं हमने जो भी की उसमें शैतानी होनी शुरू हो गई। हमें नहीं समझ में आता कि हमने शुरू तो किया था कि हम लोगों की मदद करेंगे, अच्छा करेंगे। कुछ सरकार भी ऐसी है, 5 रुपए ले लो, 10 रुपए ले लो, ऐसे बोलती है, कॉस्ट नहीं पता है। जहां 100 रुपए देने चाहिए वहां 5 रुपए करता है, तो बदमाशी इज बिल्ट इनटू द इकोसिस्टम। तो हम नहीं समझ पा रहे, हमें नहीं समझ में आया। तो ये सारी चीजें देखने के बाद लगा, कुछ ऐसा करते हैं जिसमें बेईमानी और बदमाशी ना हो, क्योंकि सीएससी शुरुआत इसलिए किया गया था। तो हमने बोला, बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं, कहां बदमाशी करोगे, कोई बदमाशी नहीं होगी। और ऐसा स्कूल चलाते हैं जिसमें सरकार से लाइसेंस लेना ना पड़े, सरकार से परमिशन लेनी ही पड़े, क्योंकि क्लास 3 ये केजी और एलकेजी में अभी भी फॉर्चुनेटली कोई लाइसेंसिंग नहीं है, नहीं तो वो बाबू ही आके जिंदगी खराब कर देगा। अब स्कूल का आकर के इंस्पेक्टर राज, इंस्पेक्टर 50 क्वेश्चन पूछेगा, फिर बोलेगा यहां पर ये टॉयलेट ठीक नहीं है, यहां पर ये ठीक नहीं है, फिर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगाया, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ही विल डू इट, इन द प्रोसेस यू गेट इनटू द रट, क्योंकि आपने उसके साथ रिलेशन बना ली, तो फिर आपका रट शुरू हो गया, फिर आप बदमाशी और बेईमानी हो जाते हो। इसलिए हमने कहा, हम ऐसा करेंगे जिससे सरकार से लेना देना नहीं हो। एंड दैट इज व्हाई स्टार्टेड बाल विद्यालय, कि हम बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। और छोटे बच्चों को पढ़ने से एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि छोटे बच्चे जब आएंगे तो आपका फुटफॉल बढ़ेगा, उनके माँ बाप आएंगे, उनका कम्युनिटी आएगी, और सीएससी की जो पर्पज है कि फुटफॉल, लोग कस्टमर ज्यादा आएंगे और लोगों का विश्वास ज्यादा बढ़ेगा। द क्रेडिबिलिटी ऑफ सीएससी गेट एनहांस्ड सिग्निफिकेंटली, क्योंकि आप छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। हम तो चाहते हैं हमारे जितने 500,000 है, 500,000 बाल विद्यालय बने, बहुत जरूरी। आप छोटे से कमरे में शुरू करना, हमने कोई बहुत बड़ा स्कूल खोलने के लिए नहीं बोला, आप छोटे 5 बच्चों से शुरू करना, 10 बच्चों से शुरू करना, स्टार्ट डूइंग दैट वर्क, बट इट्स अ ग्रेट सर्विस टू द नेशन, टू द कम्युनिटी। एज प्रोफेसर पंत सिंह, शायद बाद में इवैल्यूएशन जब होगा तो सीएससी बाल विद्यालय का योगदान इन द कंट्रीज कंट्रीब्यूशन इन द कंट्रीज डेवलपमेंट विल बी फिनोमिनल। हम वो करके दिखाएंगे, और हमारे ये सीएससी वाले कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि सीएससी तो जो मुमकिन नहीं उसको नामुमकिन को मुमकिन करता है, सीएससी का नाम ही नामुमकिन को मुमकिन करना है। एंड दैट व्हाट वी डन, एंड वी डन इन मेनी वर्क्स इन दैट फैशन एंड मेनी एरियाज वेयर गवर्नमेंट इवन कांट रियलाइज। सरकार को भी लगता है कि अगर कुछ कराना है तो सीएससी वालों को पकड़ लो, वो ही कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, अभी सरकार को कल्चरल सर्वे करना था, तो सरकार तो कोशिश किया, उन्होंने किया, पहले एनएसएस वालों को पकड़ते हैं, तो दे वेंट टू द अदर मिनिस्ट्री एंड टॉक टू एनएस गाइस, सेइंग आप कल्चरल सर्वे करो, नहीं हुआ। फिर पंचायत वालों के पास गए, शायद पंचायत वाले से कराते हैं, वहां से नहीं हुआ। फिर कहा पोस्ट ऑफिस वाले से कराते हैं, क्योंकि पोस्ट वाले से तो बहुत अच्छा है, पोस्ट वाले से नहीं हुआ। फिर किसी ने बोला, यार सब छोड़ो, आप सीएससी वाले से कराओ, ये बच्चे कर देंगे। एंड दैट इज हाउ कल्चरल सर्वे केम टू सीएससी, एंड दैट वी आर डूइंग 600,000 विलेजेस का कल्चर सर्वे कर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, सब कुछ करके दिखाया, एंड देन वी विल डू गुड जॉब, रीजनेबली गुड जॉब एज कम्पेयर टू व्हाट दे वर एक्सपेक्टेड। पैसे थोड़े कम दिए, लड़ाई हुई, खूब झगड़ा हुआ, फिर हमने कहा शुरू में जितना दे रहा है उतना ही ले लो, उसके बाद देखेंगे। एक बार कर लेते हैं, अगली बार जब कराएगा तब पैसे ज्यादा मांग लेंगे। दैट्स व्हाट वी डू। सो बट द पॉइंट इज, सरकार को मालूम है कि जो कुछ काम कहीं पर नहीं हो सकता, आप सीएससी को पकड़ लो, सीएससी वाले कर सकते हैं। बट दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने जितना जज्बा, जुनून, उत्साह और जो उमंग से काम किया है वो शायद अनपैरेलल है। आई डोंट थिंक एनीबडी कैन डू इन कंपैरिजन। एक जो बॉन्डिंग क्रिएट की है सीएससी का ब्रांड और बॉन्डिंग क्रिएट किया, दैट इज सेल्फ ग्रेट। तो बाल विद्यालय जब हमने शुरू किया, मैंने कारण बताया,
हम थोड़ा अलग करना चाहते थे। डॉक्टर पीयूष गुप्ता है हमारे, उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया और हमने दिल्ली के सैमियर स्कूल में जाकर के कुछ बच्चों को पढ़ा के देखा कैसे पढ़ते हैं। मैं पर्सनली ये चाहता था कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, हम बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। दैट्स व्हाई वी सेड देयर विल बी नो टीचर इन बाल विद्यालय। हम तो कहते हैं कि दिस इज अ बाल विद्यालय विदाउट अ टीचर, देयर नो टीचर, टीचर नहीं होगा। बच्चों को पढ़ने में मदद करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। वी विल मेक चिल्ड्रन लर्न बट विल नॉट एजुकेट चिल्ड्रन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाल विद्यालय। और उसके लिए कहा था, हमने कहा था हम बच्चों को जो हमारे जो बाल विद्यालय में जो काम करते हैं, जो बच्चों को देख रखते हैं, उनको फैसिलिटेटर कहेंगे या एजुकेटर कहेंगे, लेकिन टीचर नहीं कहेंगे, क्योंकि टीचर के मतलब से टीच है, उसमें टीच लगा है। और हम बाल विद्यालय के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, उनकी पढ़ने में मदद करना चाहते हैं। बट दैट इज हाउ डिफरेंट। अगर पढ़ने में मदद करनी है तो पढ़ने में मदद करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज द रीजन वी ब्रॉट आईआईटी दिल्ली सेंगर। हम कुछ करते हैं, अभी इवॉल्विंग है, टेक्नोलॉजी बहुत सारी है। जैसे प्रोफेसर ने बताया कि अभी बहुत सारे ऐप हैं, आप प्लांट पे लगाओ तो आपको डिजीज भी बता देते, सब कुछ बता देते, देयर आर ऑल एग्जिस्टिंग पार्ट ऑफ द फॉर्मेट। हम लोग तो वो भी चाहते हैं कि वी विल शुड डू समथिंग विद द 3D। जैसे आप सिनेमा हॉल में शीशा लगा के बैठ के देखते हो ना, कई बार 3D पिक्चर देखी होगी तो वो डायनासोर आपके मुंह पे आ जाता है, इट कम्स एज इफ यू कमिंग। वो बच्चों को दिखाना है, वो बच्चों को सिखाना है। जब टाइगर आएगा तो टाइगर शुड कम टू हिम एंड ही शुड बी एबल टू फील दैट पार्ट ऑफ दैट। वी हैव टू क्रिएट दो 3D ग्लासेस एंड डू दैट पार्ट। बाहर के देशों में होता है, बाहर के देशों में आप कहीं जाएंगे तो दे विल एक्चुअली टेक टू समथिंग एंड शो यू दैट, एंड इट्स सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। आपको लगता है आप फिश पॉन्ड में खुद फिश घूम रहे हो, आप डायनासोर के साथ खुद बात कर रहे हो, एंड यू आर फीलिंग द रियलिटी ऑफ दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों में क्यूरियोसिटी जागृत करने के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। और एक आपने बच्चों को देखा होगा, सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमको ना गाड़ी वाला, ये वाला बहुत अच्छा लगता है। जो उनको लगता है वैसा ही कराना है, और हर बच्चे को अलग से कराना है। दैट इज हाउ ऑल्सो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग ए पेडागॉजी और सिलेबस फॉर इट। हमने कहा बच्चों को अपने आप सीखने दो, जो जैसा, किसी को स्टार के बारे में सीखना है, किसी को डायनासोर के बारे में सीखना है, किसी को गाड़ी के बारे में सीखना है। एवरी चाइल्ड इज ए सिलेबस, एवरी चाइल्ड इज ए कोर्स इन इटसेल्फ, और उसके लिए बनाना है। ये स्कूल दूसरा तरीके का है, वैसा नहीं है जैसा बाकी जगह होता है। एक सिलेबस होगा, हम उस तरह से पढ़ाएंगे, नो, देयर नो सिलेबस। द चाइल्ड हैज टू बी टू लर्न व्हाट ही एंजॉयज टू लर्न। ऑफ कोर्स देयर इज अ पैटर्न इन विच वी ट्राई एंड सपोर्ट देम। तो हम सपोर्ट करते हैं उसको कि ऐसे ऐसे आउट भी सीख सकते हैं आप। आई हैव सीन स्मॉल, मैंने छोटे छोटे बच्चों को अंग्रेजी बोलते देखा है। उनके घर में किसी को अंग्रेजी का अल्फाबेट नहीं आता, बट दे यूज द टेक्नोलॉजी एंड दे स्पीक सच ए गुड इंग्लिश, बट दे ऑल लर्न इंग्लिश आउट ऑफ दिस। टेक्नोलॉजी टुडे इज सो पावरफुल। अगर आपको कुछ भी सीखना है, कुछ भी सीखना है, इफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मैं पिछली बार भी बोल रहा था आपको, एक्चुअली आजकल कुछ सालों बाद अभी भी जरूरत नहीं है, पेरेंट्स की जरूरत नहीं है बच्चों को। आपका आपसे कुछ नहीं पूछेगा, उसका ज्ञान आपसे ज्यादा है, क्योंकि उसके पास गूगल है। ही कैन सर्च एवरीथिंग इन गूगल एंड टेल यू व्हाट हैज टू बी डन, एनीथिंग ऑफ दैट नेचर ही कैन फाइंड आउट। तो सेल्फ लर्निंग इन एनी केस इज इवॉल्विंग एंड सेल्फ लर्निंग हैज टू बिकम पार्ट ऑफ इट। उसको ओरिएंट करना कि वो लर्निंग का प्रोसेस कैसा होगा, लर्निंग तरीके से करेगा या गलत जगह ना लर्निंग करे, दैट इज व्हाट इज टू बी सपोर्टेड टू हिम। तो बाल विद्यालय इज ए टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्कूल विद नो स्टैंडर्ड करिकुला विद सम पेडागॉजी विच हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर सपोर्टिंग स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स आर अनेबल टू लर्न। बच्चों को सिखाते हैं, उनको मदद करते हैं उसको जो सीखना है सीखने के लिए। ये बाल विद्यालय, तो कंसेप्चुअली समझ के रखना, कंसेप्चुअली बदलना नहीं, और सब कर लेना, थोड़ा बढ़ाना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से इक्विपमेंट ऐड करने पड़ेंगे। और जैसे मैं सोनूवाला का किया था, मैं झज्जर में स्कूल इनॉग्रेट करने गया, वो लड़की ने बहुत अच्छा बनाया, बहुत मेहनत करके गया। आई सॉ दो चिल्ड्रन डांसिंग, थोड़ा टीवी के सामने जब डांस का प्रोग्राम आ रहा था, सारे डांस कर रहे थे। सी द एनर्जी फॉर द डांसिंग फॉर दो चिल्ड्रन वाज सो फिनोमिनल। तो उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, और जैसे बहुत लोगों ने बोला कि क्यूरियोसिटी टू नो और क्वेश्चन आस्क करना, पूछने के लिए क्वेश्चन, इसलिए अलेक्सा है। आपको वैसे बहुत सारे बच्चे, आप भी स्कूल में पढ़े होंगे, शर्म आती है टीचर से पूछने के लिए, हिम्मत नहीं होती है खड़े होकर क्वेश्चन पूछने, डाउट है लेकिन अब पूछेंगे नहीं। 90% ऑफ चिल्ड्रन कांट इवन आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास, ओनली 5-10% होते हैं वोकल है, उनको नहीं भी आता वो तब भी पूछ लेते हैं, बट दैट्स वेरी रेयर कम्युनिटी। ये अलेक्सा विल हेल्प चिल्ड्रन ऑफ दिस नेचर टू ट्राई एंड आस्क क्वेश्चन।
दो जो इंक्विजिटिवनेस है कि प्रश्न पूछना चाहिए और प्रश्न पूछने से साइंटिफिक टेंपर होगा, एंड दैट्स द एग्जांपल विद प्रोफेसर पंत गिव. आपको जब वो प्रश्न पूछने की आदत पड़ेगी तब आपके अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा, एंड दैट इज हाउ द स्टोरी. इन द लास्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है, सी ग्रेट विजनरी पर्सन, whether you like or dislike, that's a different story, but I think great visionary. He said, आपने शायद वो फिल्म देखी होगी जो हमने बनाई है, उनका छोटे 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों में आपने जो नींव डाली वो जिंदगी में उसकी उसके लिए बनाती है, उसका करियर बनाती है, उसका इंसान बनाती है. सो ये 3 से 5 साल के बच्चों में हम जो भी गुण डालेंगे, जो भी उनको करिकुलम या जो भी तरीके तौर तरीके सिखाएंगे, दैट्स द फाउंडेशन ऑन विच द नेशन विल गेट बिल्ट इन. वो संसार, वो समाज और वो देश उसी पे बनेगा. सो बहुत जरूरी है हम लोग गांव में थोड़ी पॉजिटिविटी क्रिएट करें, इन बच्चों को थोड़ा सा मदद करें और वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, सो दैट व्हाट इज अवेलेबल इन अर्बन एरिया. एक हम लोग, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि गांव के बच्चे और शहर के बच्चे में लेवल ऑफ इंटेलिजेंस में कोई फर्क नहीं है. देयर आर साइंटिफिक स्टडी डन अक्रॉस द वर्ल्ड वेयर इन वेरियस कम्युनिटीज व्हेन दे टेस्टेड the statistical significance of variations of the intelligence level is insignificant. It actually not significant. That means क्या है कि हर community में level of intelligence का variation उतना ही होगा जितना दूसरे में. तो जैसे urban बच्चे हैं वैसे ही उतना गांव वाला है. सिर्फ गांव वाले को परिवेश नहीं मिला. The बाल विद्यालय is a foundation to give the परिवेश. और हमारे बाकी जो CSE academy के कोर्स है वो उसको परिवेश दिलाता है ताकि उसको अर्बन से जैसे बच्चे को परिवेश मिलता है वो अपने पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कर सके, एंड देन ही कैन ट्राई एंड क्रिएट वैल्यू प्रोपोर्शन फॉर हिम. और एक जो हम एकेडमी में करते हैं, जो बच्चे वीक हैं, जो फेल हो जाते हैं और जो बच्चियां स्कूल और कॉलेज में जाने नहीं देते हैं घर वाले फॉर सम रीजन विलेजेस, CSE उनके लिए है. इनके लिए कोई नहीं, उनके लिए CSE है, एंड दैट इज हाउ CSE एकेडमीज आर बिल्ट. कभी भी किसी बच्चे को फेल होने के बाद ये मत कहना कि आप फेल हो गए, ये मत कहना. गांव में बहुत गलत तरीका है, फेल हो गया चल गधा है तू, तो बैठ जा तू खेती कर ले, ऐसे नहीं कहना. उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. एजुकेशन इज नॉट अ डिटरमिनेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ पीपल इन दिस कंट्री. दैट कैन नॉट बी एन आर्गुमेंट कि आप बहुत ज्यादा पढ़े हो तो आप बहुत अच्छे इंसान हो गए, ये नहीं हो सकता. आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो, बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, एंड यू कैन डू फिनोमिनल. मैंने अनपढ़ लोगों को करोड़पति बनते देखा है, एंड आई कैन हैव मेनी एग्जांपल्स ऑफ दैट नेचर. But their hard work, sheer hard work and patience to learn. और गांव वालों की knowledge phenomenal है. मैं examples बहुत बार देता हूँ. मैं जाता था tribal areas में, वो बच्चा मेरे साथ जो चलता था, he used to see and tell me, sir, 10 मिनट में बारिश आएगी, जल्दी चलते हैं. और 10 मिनट से बारिश आती थी. The tribal knew, यहाँ का meteorology वाला बता नहीं सकता जो उस बच्चे के ज्ञान था. That fellow will see the sound of the bird and tell me, ये वो चिड़िया है सर. MSc geology of Delhi University cannot even tell you that part. I can guarantee you, हर पेड़ को देख करके पेड़ के सारे गुण गिना देता था, सारे गुण गिना देता था. Everything about the tree, he will tell you. You go to the MSc botany Delhi University guy, he can't tell you the difference between paddy and wheat. मैं गारंटी देता हूँ, नहीं बता सकता. ये ज्ञान, जो ज्ञान और नॉलेज है, that is totally different. But we don't acknowledge that. Those tribals who live, in fact, those tribals, I used to tell them, we used to walk for about 10-15 kilometers. I told them, so, इतनी दूर क्यों रहते हो, यहाँ पानी नहीं है, कुछ नहीं, नीचे आ जाओ. नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉलोनी बना दूंगा, घर बना दूंगा, एंटरटेनमेंट का सेंटर कर देंगे. आई विल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सो आई टोल्ड देम आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू. उसने बोला, सर आप एक महीने हमारे साथ रह लो, आप नीचे जाना भूल जाओगे. दैट इज अ ग्रेट स्टोरी, दैट इज अ साइन ऑफ हैप्पीनेस. सो ये जो देश है बहुत अच्छा है और गाँव में लोग रहते हैं वो बहुत अच्छे हैं. हमें थोड़ी कदर करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ यूज करके उसको क्रिएट करना है. एंड वी कैन टू क्रिएट दैट फीलिंग कि आप भी वैसे ही हो जैसे शहर वाला है. कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है. हम सब लोग गांव से हैं, कोई फर्क नहीं लगता है. आई डोंट थिंक देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस इन दैट. स्कूल में शायद नहीं आती थी अंग्रेजी, अंग्रेजी बोलनी सीख ली, आप भी सीख लेना. आप सबको अंग्रेजी सिखा देंगे, आई कैन गारंटी यू 10 दिन में आपको अंग्रेजी सिखा देंगे, नहीं तो आप भूल जाओगे. इट्स सो ईजी टू डू. 8,000 words हैं इंग्लिश में, अगर आपको 8,000 words आते हैं, देयर आर 8,000 words. यू टू ओनली कनेक्ट ऑल दोज वर्ड्स एंड डन टू ट्राई स्पीक. कैसी गलती पलती जैसे मर्जी बोलना, अंग्रेजी आ जाएगा सीखनी. दैट्स व्हाट यू विल डू. इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू और कोई परेशानी नहीं है. यूपी वालों को थोड़ा परेशानी होती है, यूपी एंड बिहार हैज दिस प्रॉब्लम सेइंग इट. हम तो हिंदी है, हिंदी में पढ़े, ये भूत उतार दो. हिंदी, हिंदी का भूत उतारो, हिंदी भी पढ़ो लेकिन इंग्लिश भाषा है उसको भी पढ़ लेना.
आई थिंक अल्टीमेटली इन द लास्ट इट्स अ ग्रेट स्टोरी फॉर टू डू वी स्टार्टिंग बाल विद्यालय. एक बच्चे ने बोला सर बाल विद्यालय तो हो गया, आप थोड़ा सा स्कूल बढ़ा लेते हैं, क्लास 8 क्लास 9 वो भी करेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग करेंगे, तरीके से नहीं करेंगे, जो होता है वो नहीं करेंगे. उन बच्चे बच्चों के लिए करेंगे जिनके लिए कोई नहीं है, जो फेल हो जाते हैं, कमजोर हैं, लड़कियां जिनको स्कूल और कॉलेज में जाने नहीं दिया जाता है, उनके लिए कुछ करेंगे. दैट इज व्हाट द सीएसई एकेडमी इज मेंट फॉर. तो आप लोग बहुत अच्छे हैं एंड यू डू वंडरफुल जॉब. और सब लोग प्रोफेसर ज्योति कुमार एंड हिज टीम, आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग आवर चिल्ड्रन टू कम हियर. इट्स अ ग्रेट लर्निंग और बहुत कुछ सीखा है और इनसे बहुत कुछ सीखेंगे. And we आपका फीडबैक इनको देंगे and we will create something so unique for this country which can also be taken from other countries. अभी CSE की दूसरे देशों में बहुत सारे देशों में अभी बुला रहे हैं कि आप CSE जैसा कुछ सेटअप कर लो. तो CSE is not only national now, CSE is actually becoming international because आप लोगों की कहानियां सब लोगों को पसंद आती हैं. So thank you so much.